बांका जिले के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बांका के लाल जवाहर झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले के सभी प्रखंड में अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। इन्होंने कहा कि बांका लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। जनसंपर्क के माध्यम से आम लोगों से मिलने पर पता चला कि कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक जाने के लिए सड़क नहीं है। लोकसभा प्रत्याशी जवाहर झा ने बताया कि केंद्र में योजनाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उसे अपने क्षेत्र में लाने की जरूरत है, जिसको लेकर मैं चुनाव के पूर्व ही छोटी छोटी समस्या को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। जब लोग पलायन होकर दूसरे राज्य काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को देखने से पता चला कि हमारे बांका में जितनी भी आमजनों की समस्या है, मैं उनकी सारी समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। कम विवेक होने का ये बहुत बड़ा एक लक्षण दिख रहा है। पर्सनल गुस्सा हो या नहीं लाने की क्षमता हो, यही अदरवाइज इग्नोर कैसे होगा। इसलिए पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं सभी आगे आए और इसको अपनी जमा विकास का कपड़े पहन के, विकास का वस्त्र पहन के प्रचार प्रसार करें। मुझे एक बार मौका दिए। बिहार सरकार का दावा है कि सभी गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है, लेकिन उस दावों में कितनी सच्चाई है तो आपने बताया। मैंने अपने आंखों देखा है, आप विकास के लिए सिंचाई, शिक्षा, उद्योग धंधे और एक कलेक्टिव समाज, एक तो होता है समाज की ये जाति वो जाति वो जाति वो जाति, तमाम तरह की बात है। कलेक्टिव एक समाज बनाए, संयुक्त समाज बनाएंगे जहाँ से विकास की गति स्टार्ट होगी और वो फिर रुकेगा नहीं। आपने जो ये भ्रमण किया, किसको ये दोषी किसको मानते हैं, यहाँ की जनता या कोई जनप्रतिनिधि? देखिए, सरकार के पास फंड्स बहुत है, अपार फंड्स है, हमारा भारत विकास कर रहा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें लाने की क्षमता नहीं है। हम यहाँ पे फंड्स ला करके और काम नहीं कर पा रहे हैं।